अस्सलामुअलैकुम फ्रेंड्स, वेलकम हो गया अदर व्लॉग। ये टाइलियाँ का वाला काम शुरू कर दिया, मिस्त्री आ चुके थे तो मैं थोड़ा लेट गया साइड पे, तो मिस्त्री ने काम शुरू कर दिया था। साथ ही मार्बल वाले आ गए और कटिंग स्टार्ट कर दी, जो ग्रेन हेड लगता है ना हमारा वैनिटीज़ के लिए, वो उसकी कटिंग हुई है सारे ग्राइंडर से। लेकिन ये बड़ा मुश्किल काम होता है, ये कलम बनाना बड़ी मुश्किल से जब बनती है कलम। फिर हमारा इंशाल्लाह काम शुरू हो गया सफाई का, लड़कों को मैं लगाया गया था कि सफाई करते हैं अच्छी तरह सारे साइड की, ताकि सारे साइड की शक्ल निकल आए। तो लड़कों ने माशाल्लाह काम स्टार्ट कर दिया था, सफाई वाला काम भी शुरू हो चुका था, बहुत सारा काम निकल गया हमारा। बस अब फिनिशिंग की चीज़ें रहती हैं, वो भी इंशाल्लाह हो जाएंगी जल्द ही। और फिर जब मैं नीचे पहुँचा तो मार्बल वाले ने अपनी कलमे शलमे काट के जो लटके होती है साइडों की वो लगा दी, अभी एल्फी से चिपकाना शुरू कर दी इन सबको पीसीस को। और ये बड़ी ये महारत की बात है कि एल्फी के साथ इतना वज़न वाला मार्बल को रोका होता है, फिर इसके बाद मसाला भरना होता है इसके पीछे। तो अभी एल्फी से इसको पहले पक्का करेगा अच्छी तरह, और फिर इसके बाद इसका मसाला बना के ना इसे मसाला फिल कर गया, जिसकी वजह से ज़रा मज़बूती होती है और वो इसी तरह का मसाला बन जाता है कि मार्बल की तरह का लगता है। ये देखिए नहीं, इसने सारा मसाले से भर दिया अच्छी तरह सारे मार्बल के अंदर की तरह से, ये मार्बल बन गया अब एक किस्म का। हाँ हाँ, एंगल की कहीं नहीं जाता। तो मुझे जाना है अभी दूसरी साइड पे, थोड़ा सा काम है। तो परी का लॉक खोलते हैं और करते हैं स्टार्ट और निकलते हैं दूसरी साइड पे। वहाँ पे कुछ टेबल्स की अलाइनमेंट्स वगैरह का है, तो वो बस देखना है। तो गर्मी कुछ इस तरह से थी, हेलमेट पहन के ये शक्ल है, बस निकलते हैं दूसरी साइड पे। अच्छा जी, सूरत हाल ये है कि मैं गया था दूसरी लोकेशन पे, अभी आया हूँ क्योंकि उधर भी एक छोटा सा काम था वो बताना था। तो अभी यहाँ पे मिस्त्री सुबह काम करते रहे, वो काम लगा के गया था, एक रूम की स्कर्टिंग कंप्लीट कर दी उन्होंने। टाइलें देखें, ये टाइलें लगी हैं, ये हैं वो टाइलें आज लगी हैं सारी, और किसी हद तक सफाई हो गई, और इस रूम में स्कर्टिंग भी लगा दी है लड़कों ने। अब रूम की शक्ल निकल आई है। अभी वाशरूम के लिए प्लम्बर भी आया था सुबह, कुछ सामान शॉर्ट था हमारे पास, जिसकी वजह से भी प्लम्बर ने सारा काम किया नहीं और वो चला गया। और इतनी हबस हुई है ना यहाँ, क्योंकि कुछ भी नहीं चल रहा, उनके बंद है मार्बल वाले के। देखे माशाल्लाह, ये वैनिटी हमारी कंप्लीट है, अब इससे इसके ऊपर फिक्सचर्स लगने हैं इसके, ये चेक करें। लग रहा है आपको कि ये लगा हुआ था लोहे के फ्रेम के ऊपर, ये देखिए चेक करें ज़रा क्या लुक निकली है। और ये वजू के लिए दो सीट्स हैं, सामान आपका जो शॉर्ट था प्लम्बर का वो ऑर्डर कर दिया, वो भी आ रहे हैं इंशाल्लाह, वो भी आज भी थोड़ी देर में आ जाएगा। तो होपफुली कल इसमें लाइटें भी ऐड हो जाएंगी और प्लम्बर की फिक्स्चर भी लग जाएंगी, टैप भी लग जाएंगी। ये हैंड ड्रायर का पॉइंट छोड़ा हुआ हमने, इस पर लाइट पर लगा दिया। सुबह की तैयारी के लिए गए हुए हैं प्लम्बर के लिए कि पंखे वगैरह लगे हैं, ताकि गर्मी में आम ना गर्मी ना लगे उसको। ये सूरत हाल है। बाकी आज का यही काम था, पेंट वाले आज आए नहीं थे, तो ये दरवाज़ा भी शुरू करवा था। बाकी अल्हम्दुलिल्लाह साइड तो सफाई रहती है, मेन मसला सफाई का रह गया आज, क्योंकि इतना हो नहीं सका, पहले लगी हुई थी चलना फिर ना मना किया हुआ था लेबर को, ये ना टायर के ऊपर पाँव रख दें। तो ओवरऑल दिखाता हूँ आपका क्या सेटिंग है, ये देखिए जी है जी। और अब जो सीलिंग की शीटें हैं तो आपको पता, बस सीटें आनी है और प्लेस होनी है। ये जो हमारी लगी हुई शीट, इसका माल भी वो कह रहे हैं कि शॉर्ट है, तो एक दो दिन में आ जाएगा, तो इंशाल्लाह सीलिंग कंप्लीट हो जाएगी, तो ये पैक हो जाएगा सारा। और दरवाज़ों के लिए टीम लाहौर से आनी थी, वो लाहौर से टीम अभी तक आई नहीं है, तो जैसे ही वो आएगी तो दरवाज़े तैयार पड़े हुए हैं दुकान वाले के पास, आने ऐसे फिक्स करने हैं, मशीनें वगैरह सारा कुछ कम्प्लीट है, ये चेक करेगी। तो इसी के साथ आज का व्लॉग करते हैं ख़त्म, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में कल इंशाल्लाह होपफुल, उम्मीद करता हूँ कि वाशरूम कंप्लीट होगा और यहाँ की सफाई भी और मज़ीद क्लियर हो जाएगी। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो यार लाइक सब्सक्राइब और शेयर लाजमी करते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में, तब तक दें अपने पर नमाज़ की इजाज़त, अल्लाह हाफिज़।